किसान भाइयों, अभी हमारे साथ चर्चा के लिए हैं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के सहायक महाप्रबंधक श्री मिथिलेश्वर झा। किसान भाइयों, कृषि में उत्तरोत्तर विकास होता चला जा रहा है। विकास के साथ साथ आपकी आवश्यकताएं बढ़ती गई, कृषि से जुड़े उद्योग का विकास हुआ और इन सारे पहलुओं पे आपकी वित्तीय आवश्यकताओं की जरूरत भी बढ़ी। ग्रामीण परिवेश में और कृषि से जुड़ी उद्योगों के लिए वित्तीय आवश्यकताएं के साथ साथ उसकी जानकारी, प्रशिक्षण, कैसे आप उस उद्योग को स्थापित करेंगे, इन सारे पहलुओं को देखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की। 1982 में ये राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक ने स्वरूप लिया और उसके साथ शुरू हुआ हमारा कृषि के क्षेत्र में और कृषि उद्योग के क्षेत्र में एक विशेष प्रयास। इस पे चर्चा के लिए आज हमारे साथ नाबार्ड के इस ऑफिस में, क्षेत्रीय कार्यालय में हम हैं। सर, आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार सर। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना ग्रामीण परिवेश के विकास के लिए हुई, उसमें समय समय पर विभिन्न योजनाओं को लाया गया। अभी वर्तमान में क्या किसानों के लिए किस तरह की योजना है, आप ये हमारे दर्शकों को बताएं। जैसा कि राकेश जी आपने बताया कि नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी और तब से नाबार्ड का सतत प्रयास रहा है कि ग्रामीण और कृषि के क्षेत्र में कैसे उत्तरोत्तर विकास किया जाए, इसके लिए हम कटिबद्ध भी हैं। और इसके पहले कि नाबार्ड क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसको जानने के पहले हमें थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि आज के किसानों की क्या समस्या है। पहली समस्या जो है वो वित्तीय समस्या है कि कैसे उनको सही समय पर सही ढंग से उनको वित्तीय सहायता मिले। और इसके लिए नाबार्ड ने काफ़ी अरसे से एक कार्यक्रम चलाया है जिसको काफ़ी लोग जानते हैं और इसका नाम है किसान क्रेडिट कार्ड, KCC। इस KCC के माध्यम से हम बैंकों के द्वारा किसानों के पास पहुंचते हैं और उनको सही समय पर खेती करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और यह ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि आप एक कार्ड के माध्यम से कभी भी ऋण ले सकते हैं और जब उनकी खेती पूरी हो जाती है और उनको पैसा मिल जाता है तो फिर वो वापस बैंक को वो पैसा दे सकते हैं। और यह पूरी व्यवस्था जो है, आपको शायद मालूम होगा कि इसका जो ऋण देने का जो सूद दर है वो काफ़ी कम है और सिर्फ 7% पर किसानों को ये ऋण मुहैया किया जाता है बैंकों के माध्यम से। सर, किसान क्रेडिट कार्ड की चर्चा भी आपने की, इसके लिए क्या अर्हताएं हैं, क्या किस किसान को मिलेगा और कैसे मिलेगा उनको, अगर किसी जगह पे कोई किसान है तो किसान क्रेडिट कार्ड के लिए उन्हें किसके पास जाना पड़ता है? सही सवाल है और इसकी जानकारी किसानों को होनी चाहिए। बड़ा ही सरल उपाय है, बड़ा ही सरल माध्यम है। किसी भी जो खेती करते हैं, ऐसे कृषक जिनके पास ज़मीन है अपनी, वो पास के जो उनके निकटतम बैंक ब्रांच है वहाँ पर जाएंगे और बैंक के ब्रांच मैनेजर से संपर्क करेंगे और वहाँ उनको कितनी ज़मीन है उनके पास और किस तरह की खेती करते हैं, इसके माध्यम से उनका जो स्केल ऑफ फिनांस है वो फिक्स किया जाता है और उनको तब किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। सर, ऋण की जो बात की गई और उसमें लिमिट की बात आपने की, तो क्या ये किसान की इच्छा के हिसाब से लिमिट बनाई जाती है या बैंक की कुछ अपनी मान्यताएं हैं जिसके हिसाब से आप लिमिट बनाते हैं? इसमें है कि आपके पास कितनी ज़मीन है, किसान के पास एक नंबर कितनी ज़मीन है और किस तरह की खेती वो करते हैं, इसके आधार पर ही उनको ऋण मुहैया किया जाएगा। क्योंकि मान लीजिए अगर हम धान की खेती, हमारे पास ऐसी ज़मीन है जिस पर हम सिर्फ धान की खेती करते हैं और किसी के पास ऐसी ज़मीन है जिसमें वो कैश क्रॉप करता है, तो उसकी जो आवश्यकता होगी वो अलग होगी और फिर कितनी ज़मीन है आपके पास, इन तीनों को मिला के जो है उनका ऋण जो है वो ठीक किया जाता है। किसान भाइयों, अभी दो महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली कि आप कैसे किसान क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। एक बात आप हमेशा ध्यान में रखें कि ऐसा नहीं है कि किसान क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपको नाबार्ड के किसी ब्रांच को खोजने की ज़रूरत है। नाबार्ड एक राष्ट्रीय बैंक के तौर पे है
जो हमारे सभी राष्ट्रीय बैंकों को एक सहायता प्रदान करती है, और आप वहां से अपने इस किसान क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। दूसरी एक अहम चीज़ है कि आपके लिए ऋण की लिमिट बनाई जाती है। जैसा कि झाजी ने आपको बताया कि लिमिट बनती कैसे है, अगर आप फसल बताएंगे, नकदी फसल के हिसाब से आपकी आवश्यकताएं देखी जाएगी, अलग अलग फसलों के हिसाब से आवश्यकताओं को देखते हुए उसको परखने के बाद ही उसके ऊपर ऋण की सीमा बनाई जाती है। ऋण आप समय पे ले, समय पे वापस करें, यह सरकार का प्रयास है। इसके अलावा सर और क्या कार्यक्रम है जो आप किसान बंधुओं को दे रहे हैं? भंडारण की समस्या जो है वो किसानों की एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जब फसल पैदा होता है और उस समय आप देखेंगे कि जब फसल की कटाई होती है तो उस समय जो फसल का दाम होता है वो कम रहता है, और जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ते जाता है फसल का दाम बढ़ते जाता है। किसान भाइयों, अभी आपने सुना कि भंडारण कितनी बड़ी समस्या है आपकी, ये आप भी समझते हैं। अगर भंडारण की व्यवस्था सही तरीके से हो जाए तो निश्चित ही जिस समय आप अपने फसल की कटाई करते हैं आप उसको कुछ समय के लिए रखने की स्थिति में होंगे, और जब उसको आप थोड़े समय के लिए रख लेते हैं और फिर बाज़ार की आवश्यकता मांग को देखते हुए बाज़ार में देते हैं तो आपको अधिक कीमत मिलता है। तो भंडारण जो इतनी बड़ी समस्या है उसके पीछे राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की भी नज़र है कि आप अपने क्षेत्र में भंडारण की व्यवस्था को सुदृढ़ करें। जानने की जरूरत यह है कि किस किसान को कितने भंडारण के लिए नाबार्ड के द्वारा सहायता प्राप्त होगी, उसकी क्या सीमा है? दर्शकों, जैसा कि पहले भी चर्चा हुई है, भंडारण के लिए कोई भी व्यक्ति जो है वो बैंक से ऋण लेकर 100 मेट्रिक टन से लेकर 10,000 मेट्रिक टन तक की जो ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत वो गोडाउन बना सकता है, और उसके लिए ऋण जो है बैंक से मिलेगा, और बैंक से ऋण मिलने के साथ साथ ही जो नाबार्ड की तरफ से उनको 25% सब्सिडी मुहैया की जाएगी। इसका जो रेंज है वो 100 मेट्रिक टन, मतलब 100 मेट्रिक टन से लेकर 10,000 मेट्रिक टन तक का है, और जो किसान हैं और अनुसूचित जनजाति में हैं उनको 33.3% का सब्सिडी मुहैया किया जाएगा। सर, एक महत्वपूर्ण जानकारी और दर्शकों को बताएं कि ये जो गोडाउन के लिए आप ऋण देते हैं ये उनकी खुद की जरूरत के लिए देते हैं या उसमें वो दूसरे के भी अनाज का भंडारण कर सकते? कोई भी किसान है या जो उद्यमी है जो इस तरह का गोडाउन बनाता है तो ऐसी कोई शर्त नहीं है कि उसको अपने लिए ही बनाना है, वो बना के उसको भाड़े पर भी दे सकता है, दूसरे के किसान जो है उनका वो अनाज रख सकता है, ऐसा भी है कि वो FCI को भी दे सकता है। तो उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको इसका लाभ मिल सके, और कोई भी व्यक्ति जो एक किसान है उसके पास इतना सामान नहीं रहता है कि उसको रखने के लिए वो खुद एक गोडाउन बनाए, इसीलिए उस क्षेत्र में जितने किसान हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तो ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं है कि दूसरे नहीं रख सकते, बल्कि उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इससे लाभान्वित हो सके। किसान भाइयों, अभी हम लोगों ने दो महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, जिसमें एक किसान क्रेडिट कार्ड और भंडारण की क्षमता। हम समझते हैं कि ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां पे कार्य करने की ज़रूरत है, और आपको इसके विषय में विस्तृत जानकारी की ज़रूरत है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का इस दिशा में जो पहल है वो निसंदेह सराहनीय है, आवश्यकता है कि आप इसको सही तरीके से उपयोग करें। आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो हर ज़िले में नाबार्ड के अधिकारी होते हैं, आप उनके उन तक जाएं और उनसे आप विभिन्न समस्याओं की समाधान भी ले सकते हैं कि कैसे किस तरीके से वित्तीय प्रबंधन में आपको मदद मिले। सर, आज के लिए बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर हम लोग कुछ नए स्कीम्स की चर्चा करेंगे। जी, तब तक के लिए धन्यवाद।